औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग इंशा अल्लाह ज़रूर खैरियत से होंगे। तो जी, आपका भाई आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हाजिर हुआ है, तो वीडियो के साथ बने रहेगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, वीडियो आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद होने वाली है। तो जी, बात स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो आने वाली सबसे पहले आपको मिल सके। तो जी, बात स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो जी, मैं आपको बस सिखाऊंगा कि जैसा कि आपको पता कि मैंने freelancinggurus.com का कोर्स स्टार्ट करवाया, तो मैं उसका नेक्स्ट पार्ट लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप प्रोफेशनली तौर पर अपना अकाउंट कैसे सेटअप कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी प्रोफाइल को कैसे प्रोफेशनल तरीके से सेटअप कर सकते हैं कि अगले बंदे को कोई क्लाइंट आपकी प्रोफाइल देखे तो उसको वाकई लगे कि यार कोई वाकई अच्छी चीज़ रखी है इस बंदे ने, वाकई बंदा इस काबिल है, तो वो आपको इंशाल्लाह जल्द ऑर्डर भी देगा। तो मैं आपको इस तरह के प्रोफाइल सेटअप बताऊंगा। तो जी, आपने करना क्या, आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है। तो मैं वक्त नहीं ज़ाया करूंगा, मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर जाता हूँ, बाकी मैं इंशाल्लाह सारी स्क्रीन शेयरिंग करके दिखाऊंगा जी आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो आइए चलते हैं जी। तो ये देखिए जी, मैं आ गया अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो अल्लाह पाक का नाम लेकर शुरू करते हैं जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो ये देखिए जी, हम कल अपने इधर थे, अल्लाह खैर करे। तो जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि आप इस किस तरह अकाउंट क्रिएट करते हैं, अब मैं आपको बताऊंगा प्रोफाइल सेटिंग। तो नेक्स्ट मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाता जाऊंगा कि आपको क्या क्या करना है अपने। तो ये देखिए जी, इधर आपने जाना है, इधर जाकर अपने करना है जी एडिट प्रोफाइल पे क्लिक। जिस तरह ही आप अपनी एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो जी, इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है। तो ये देखें जी, आपके सामने कुछ इस तरह का डिस्प्ले होगा, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं जी। तो ये सारे खाने भरने बताऊंगा आपको, टेंशन नहीं लेनी है आपने किसी भी किस्म की। तो जैसे सबसे पहले आपने चेंज प्रोफाइल पिक्चर, आपने प्रोफाइल कोई पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी है। मैं मिसाल के तौर पर मेरे पास शायद इधर अगर पड़ी हो तो मैं देख लेता हूँ जी। यार इधर ये देखें, इधर शायद पड़ी हो गई, तो मैं इधर मिसाल के तौर पर ये वाली लगाना चाहता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करना, ये ओपन कर लेता हूँ। तो आपने करना क्या, आपने प्रोफेशनल सी लगानी है, आप अच्छी सी लगे कोई भी हो चाहे। तो ये देखें जी, तो ये देखें, तो आपने इधर से सिलेक्ट कर लेना, इधर से इस तरह, तो आप इस तरह कोई भी सा सिलेक्ट कर सकते हैं, मुँह तो आना चाहिए ना यार। तो आपने इधर फिनिश के बटन पर कर देना है जी क्लिक। तो ये देखिए जी, आपकी प्रोफाइल फ़ोटो हो गई है जी, अल्लाह खैर करे सेटअप। तो इसके अलावा अगर आप कवर चेंज करना चाहते हैं, इधर इधर से भी कोई भी लगा सकते हैं। तो मैं मिसाल के तौर पे, मेरे पास कोई है तो नहीं फ़िलहाल, मैं चले यही चेक कर लेता हूँ लगा के, ये लगेगी नहीं। उसकी वजह है कि इसके लिए आपको ये देखें, रिकमेंडेशन साइज़ हो गया 1920x1080, तो वो आपको उसको पेंट में ओपन करके आप उधर से क्रॉप वगैरह कर लीजिएगा। तो मैं फ़िलहाल नहीं लगाता क्योंकि मेरे पास अभी पड़ी नहीं है, तो आप समझ तो गए होंगे इसी तरह ही लगानी है आपने। तो आप यूज़ या टैंपलेट वगैरह कोई भी इसमें से लगा सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। देखें, टैंपलेट यूज़ कर सकते हैं, तो ये देखें काफ़ी ये भी सही लग रहा है। तो मैं वैसे ही आपको आपको चाहिए ये होगा कि आप, अगर आपको ये भी बनानी नहीं ना आती तो canva.com मेरे काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स पड़े हैं, तो वो मैं ऑनलाइन अर्निंग में इस तरह कुछ लिखकर टाइटल लिख के उस सेंड करता हूँ, यानी कि अपलोड करता हूँ, उधर से आप देख लीजिएगा। तो ये देखें जी, ये दो चीज़ें होंगी, इधर आप अपना स्क्रीन नेम जो आपके शो होगा, मैं यही लेता हूँ मलक हमजा 5, चले मैं ये रिमूव कर देता हूँ। तो इधर आप वेबसाइट भी दे सकते हैं, guru.com को कोई तकलीफ नहीं है, प्लीज़ ट्राई अदर, चलें जी 5 ही रहने देते हैं, जो भी हो उसका नाम चलें, वो भी देख लेते हैं फिलहाल, ये तो करें। तो इधर www. में अपनी, मेरा ब्लॉग है जी being guru tech.com, तो मैं इधर लिख लेता हूँ जी। तो जिस तरह मैं सेव के ऊपर मैं करता हूँ जी क्लिक, तो ये देखें जी, ये हमें 5 का कह रहा है, तो हमें वो जो पहली थे वो ही रहेगी, तो हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं जी। ये हमारा हो गया जी सेव, ये भी हो जाएगा चेंज, वो मैं आपको वक्त के साथ साथ दिखाऊंगा वो प्रोफाइल एडिटिंग वगैरह में, पर हल अभी हमारा फिलहाल नाम यही रहेगा। मैं आपको इसलिए गलत गलत करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आए। तो देखिए, मैंने अपनी वेबसाइट का नाम दे दी है, जो भी आपने इधर ए कंपनी भी कर नहीं, आपने करना ये है कि आप अगर आप अकेले बंदे हैं तो आपने इधर एंड इंडिविजुअल लिखना है। तो इधर टैगलाइन दे जी, मैं वर्डप्रेस ट्रेनर हूँ, तो वर्डप्रेस एक्सपर्ट लिखना है, आइए मैं वर्डप्रेस डेवलपर, वर्डप्रेस वेब डिवेलपर, तो ये देखिए मैं वर्डप्रेस डेवलपर।
ठीक होगा। तो इधर आपने अपने बायो लिखना है, अगर आप कोई भी जिस हवाले से आप अपना बनाना चाह रहे हो, जिस तरह मिसाल के तौर पे मैं जी इधर प्रोफेशनल हूँ, अपना अल्लाह खैर करे वर्ड प्रेस एक्सपर्ट, यानी कि वर्ड प्रेस मुझे आता है, तो मैं वर्ड वेबसाइट वेब डेवलपर हूँ, वर्ड प्रेस वेब डेवलपर। तो मैं देखिए मैंने ऑलरेडी सब कुछ लिख के रखा है, तो मैं इधर वीक कंट्रोल पेस्ट कर देता हूँ जी। तो ये देखें जी किस तरह पर आई हैव 3 एक्सपीरियंस इन डिजाइनिंग एंड वेब डेवलपिंग एलिजेंट एंड रिस्पॉन्सिव वर्ड प्रेस वेबसाइट। तो ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे सारे काम आता है जो जो इसमें मैंने बताया है। तो ये ऑलरेडी मैंने लिख के रखा है ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे, तो ताकि प्रोफाइल अकाउंट जल्दी हमारा डिवेलप हो जाए या सेटअप हो जाए। तो ये आपने बायो इस तरह अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इधर से स्क्रीन शॉट वगैरह लेके बाद में लिख लेना। तो ये देखें जी आप इधर से देख लें, ये देखें, तो मुझे कोई मसला नहीं है, आप इधर से उठा लें, ये काफ़ी अच्छा लिखा लगा हुआ है। तो इसके अलावा जी वर्क टर्म, तो वर्क टर्म क्या है जी, 50% अप फ्रंट, 50% एट द कम्पलीटिशन ऑफ प्रोजेक्ट। इसका मतलब ये है जी, वो मैं आपको बताता हूँ जी। तो ये देखें जब मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ, यानी कि 50% प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले और 50% शुरू होने के बाद, यानी कि कंप्लीट होने के बाद, यानी कि 50% एडवांस लूंगा और 50% मैं लूंगा जी काम के बाद। तो इधर जिस तरह मैं सेव कंप्यूटर में करता हूँ जी क्लिक, तो मेरा सेव हो गया। तो इधर से ये देखें अटैच फाइल्स एंड वीडियो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज़, अटैच फाइल्स एंड इंपॉर्टेंट। तो वैसे अगर आप देना चाहें तो दे दें, अगर नया देना चाहते हो ये भी कोई मसला नहीं है, वैसे देने तो बेहतर है क्योंकि इससे बंदा अच्छा मजीद प्रोफेशनल लगता है। तो बाकी आपकी मर्जी है। तो आप फाइल्स अगर आपके पास PDF है, पावर कोई भी, यानी कि आपके पास है ना जी, तो आप अपनी फाइल दे दें जिस पर आपने अपना काम किया हो, जिससे बंदा और प्रोफेशनल लगे। अगर वीडियो है आपके पास उनकी, यानी कि पिक्चर की वीडियोस बनी हुई हैं, तो यानी कि आपने प्रोजेक्ट किए हुए हैं इस तरह अपनी वीडियो है जो आपके हिसाब से बेहतर लगे, तो आप इधर से अटैच कर सकते हैं, वो भी इधर देखें, तो वो भी कोई मसला नहीं। रहने देता हूँ जी, तो जिस तरह वक्त के साथ साथ मैं सिखाता जाऊँगा क्या क्या करना है। तो ये देखें जी हमारी होगी जी ये प्रोफाइल सेटअप कम्प्लीटली, ठीक हो गया। अभी इंशाल्लाह मैं फिर नेक्स्ट नेक्स्ट बताऊंगा कि फोर्टफोलियो कैसे आपने क्रिएट करना है, ये वो हर चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स कैसे लगी मेरी आज की वीडियो, अगर ज़्यादा से पसंद आई हो लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और यार अगर किसी चीज़ की समझ आई हो तो नीचे मैंने आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम ID का लिंक दिया, मुझे उधर जाके फॉलो करके आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन हो या वैसे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपका भाई आपके लिए हाज़िर होगा। तो जी मिलता है फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।